श्रीनगर की मेहमान नवाजी और एक कंफर्टेबल हाउस बोट के स्टे के बाद आपका मन तो नहीं करेगा कहीं और जाने का, बट इट वॉज टाइम दैट वी हेड टूवर्ड सोनमर्ग। सो लेट्स एक्सप्लोर एवरीथिंग यू नीड टू नो अबाउट सोनमर्ग एंड शो यू ऑल द फन वी हैड देयर, बट फर्स्ट लेट्स रोल द इंट्रो। सो हे गाइस, दिस इज आशीष एंड यू आर वॉचिंग वंडर यूटोपिया। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं देन मेक श्योर टू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन सो दैट यू गेट नोटिफाइड फॉर द लेटेस्ट वीडियोस। नाउ लेट्स गेट ऑन विद इट। हाउस बोट में एक रात स्पेंड करने के बाद हमने अपना ब्रेकफास्ट किया और फिर हम निकले सोनमर्ग के लिए। आदिल भाई, क्या क्या बनाया आपने? ठीक है, पराठे सर, आलू के पराठे सर, ऑमलेट। हमारा ब्रेकफास्ट ऑलमोस्ट डन है और इसके बाद हम निकलेंगे सोनमर्ग के लिए, जो कि अराउंड यहाँ से 1 से 1.5 घंटे की दूरी पर है, और वहाँ पे हम ट्राई करेंगे कि जितने भी पॉइंट्स एक्सप्लोर कर सके हम करें। तो ये हमारे आदिल भाई हैं और कल से यही हमें यहाँ पे अटेंड कर रहे हैं, और साथ में ये मैं ज़रूर बताना चाहूँगा, जो कश्मीरी मेहमान नवाजी पूरे वर्ल्ड फेमस है, इन्होंने उसका अच्छे से हमें रूबरू करवाया है, और मैं इनका भी जो नंबर है वो डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा। तो आपको कभी भी यहाँ पे स्टे करने आना हो न्यू लक्की हाउस बोर्ड में, तो आप इनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और ज़रूर इनकी हॉस्पिटैलिटी का लुक ज़रूर उठाइए। एंड देन फाइनली वी स्टार्टेड आवर जर्नी। अभी हम अपने ड्राइवर बिलाल भाई की तरफ जा रहे हैं और ये थोड़ा सा बैक वाटर से है, हम देखो जरा यहाँ पे मिल जाए। तो अभी 10:30 बज रहे हैं और हम निकल गए हैं सोनमर्ग के लिए, हम ऑलरेडी लेट हैं। तो बिलाल भाई, कितना टाइम लगेगा वैसे? 3 घंटे लग जाएंगे। 3 घंटे लगेंगे सोनमर्ग के लिए, देखते हैं हम कितने बजे तक पहुँच सकते हैं वहाँ पे। तो अभी हमें हजरत बल एरिया में और यहाँ से 72 किलोमीटर सोनमर्ग दिखा रहे हैं हमें। बिलाल भाई, थोड़ा आप बता पाएंगे कि अगर श्रीनगर से सोनमर्ग जैसे हमें जाना हो तो क्या रोड पड़ेंगे बीच में? तो निकलना है हजरत बल से, निकलना है हबक से, निकलना है बीच में आ जाएगा, हबक आ जाएगा, चुपरा आ जाएगा, हाँ। तो गांदरबल आ जाएगा, कंगन आ जाएगा, और वहाँ पे सोनमर्ग की बात करें तो वहाँ पे हमारे लिए 0 पॉइंट देखने वाली चीज है, और क्या है? हाजवाज ग्लेशियर। हाजवाज ग्लेशियर है हमारे लिए। यहाँ से सोनमर्ग है 47 किलोमीटर। तो अभी हम हैं अराउंड 32 किलोमीटर्स दूर सोनमर्ग से, और हम यहाँ पर रुके हैं राजा ढाबा पर। इसका व्यू काफ़ी अच्छा लग रहा था हमें, सो हमने यहाँ पे एक हॉल्ट लेने का सोचा एंड थोड़े से स्नैक्स लेकर हम आगे बढ़ेंगे। आई जस्ट शो यू अराउंड। वैसे तो अलोंग द वे आपको काफ़ी सीनिक रेस्टोरेंट्स मिल जाएंगे, बट इस रेस्टोरेंट के रिवर बेड के पास होने की वजह से इट लुक्स अमेजिंग। सोनमर्ग रह गया 9 किलोमीटर और अब तो जो पहाड़ों का स्टैचर है वो एकदम अलग हो चुका है। And then finally we entered Sonmarg. And right from the moment you enter this place, यहाँ आपको पता चलेगा why this place is so different from all the hill stations. तो अभी हम खड़े हैं सोनमर्ग पार्किंग एरिया में, and I can safely say that this is the most beautiful place I have ever seen. मतलब यहाँ की ग्रीनरी इतनी ब्यूटीफुल है। ऑफ कोर्स ये जगह स्नोफॉल के टाइम पर भी बहुत ब्यूटीफुल लगती होगी, बट ये ग्रीनरी जो है इसकी वो अमेजिंग है। तो इस पॉइंट से आगे जाने के लिए आपको या तो कार रेंट करनी होगी या आप घोड़े भी रेंट कर सकते हैं, तो उनका जितना भी अमाउंट होता है वो मैं आपको बताता हूँ कितने में होता है।
मेजरली हम ट्राई करेंगे हम थाचबास और पोषपत्री ग्लेशियर एंड उसके अलावा जीरो पॉइंट डिस्कवर करें। एंड उसके अलावा भी जो पॉइंट्स होते हैं वो मेजरली इन्हीं सब पॉइंट्स में कवर्ड होते हैं। सो बेसिकली मैं दिखाता हूँ आपको इससे आगे हम क्या क्या एक्सप्लोर कर पाते हैं। तो अभी हम लोग जा रहे हैं थाचबास ग्लेशियर और उसी के रास्ते में हैं हम। काफ़ी कुछ पॉइंट्स ऐसे भी हैं जो बीच में भी आएंगे और हमने चार घोड़े किए हैं जो हमें 1300 पर पर्सन पड़ा है थाचबास ग्लेशियर के लिए। देखते हैं हम बीच में जो जो पॉइंट्स एक्सप्लोर करते हैं वो आपको हम साइड बाय साइड दिखाते रहेंगे। आई थिंक हमें 1.5 घंटा लगेगा आना जाने में, बाकी मैं बताता हूँ हमें एग्जैक्टली कितना टाइम लगता है। आई थिंक आप इस ट्रेल पर ट्रैक करके भी आ सकते हैं, बट कोई अगर वापस जा रहा होगा हमारे रास्ते में ट्रैक करके तो आई लास्ट देम कि कितना टाइम उन्हें लगा। यहाँ काफी तेज हवा चलती है सो डोंट फॉरगेट टू टेक एटलीस्ट अ फ्लीस विद यू। नाउ लेट मी शो यू वेरियस प्लेसेस इन सोनमर्ग जहां डिफरेंट मूवीज की शूटिंग हुई है। तो अभी हम उस पॉइंट पे जा रहे हैं जहां सत्य पे सत्ता की शूटिंग हुई थी। तो इस पॉइंट पर सत्य पे सत्ता की शूटिंग हुई थी। अब देखिए जरा क्या अमेजिंग व्यू है। सो अभी कुछ मुझे ट्रैकर्स मिले तो उनके अकॉर्डिंग उनको 1 घंटा लगा अभी तक इस पॉइंट तक आने में, जहाँ पे हम अराउंड 30-35 मिनट्स में आ गए हैं। तो अगर आप ट्रैक करके भी आना चाहें तो यहाँ पे आ सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी हम ग्लेशियर की तरफ जा रहे हैं, यहाँ से ये पूरा रिवर हमारे साथ साथ चल रहा है और ये फाइनल व्यू है। उस वाली झोपड़ी के बाद हमें आगे ग्लेशियर के लिए आई थिंक वॉकिंग डिस्टेंस पर होगा वो। हम ऑलमोस्ट हमारी फाइनल डेस्टिनेशन पर पहुंच गए। मैं आपको एक बार आगे का व्यू दिखाता हूँ एंड इट्स अमेजिंग। सो दिस इज द फाइनल प्लेस इन सोनमर्ग जहाँ से आपको थाचबास ग्लेशियर का रास्ता मिलता है। एंड लेट मी टेल यू, दिस प्लेस इज जस्ट सो ब्यूटिफुल दैट इट कैन नॉट बी डिस्क्राइब्ड इन वर्ड्स। यहाँ से रोड काफी स्टीप हो जाता है और वो जो ऊपर दिख रहा है आपको वो पोषपत्री ग्लेशियर है, हम वहीं जा रहे हैं। तो यही है पोषपत्री ग्लेशियर और इसके बाद आप यहाँ से ऊपर जाने के लिए स्लेजिंग भी कर सकते हैं और सबसे ऊपर वाले पॉइंट के लिए आपको अराउंड 250 या 300 तक आप नेगोशिएट करेंगे तो आपको इजीली मिल जाएगा। इस पे जाना भैया, चलो रुको एक सेकंड रुको ऊपर। तो हम लोग ये आ चुके हैं अपनी स्लाइड के लिए ऊपर तक। यहाँ से आप एक बार व्यू देखिए, द व्यू इज अमेजिंग फ्रॉम हियर एंड वी आर अबाउट टू स्टार्ट आवर स्लाइड। और हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारी स्लाइड, चलो भाई। So the slide was pretty thrilling and amazing, but I would recommend अगर आप trekking boots पहन कर आ रहे हैं तभी वहाँ पे जाएं, क्योंकि आपको काफ़ी time आपको ice पे चलना पड़ेगा and it is possibly आप
गिर भी सकते हो वहाँ से। सो आई वुड रिकमेंड अगर आप चेकिंग बूट्स पहन के आएँ या कुछ गुड ग्रिप शूज़ हो आपके पास तभी वहाँ पे आप जाएँ। यहीं पर आपको कुछ ऐसे स्टॉल्स मिल जाएंगे जहाँ पर आप मैगी, ऑमलेट, कावा एक्सेट्रा भी इंजॉय कर सकते हैं। तो अभी हम वापस आ चुके हैं ग्लेशियर से और इसके बाद हम अब हम वापस जब पहुँच जाएंगे नीचे तो उसके बाद निकलेंगे हम जीरो पॉइंट के लिए। आई थिंक उसमें भी हमें 2 घंटे जाने में लगेंगे क्योंकि वो 35 किलोमीटर है पार्किंग से, सोनमर पार्किंग से। तो देखते हैं हम कितनी देर में पहुँचते हैं, अभी बज रहे हैं 4। सो ये भी देखना होगा कि यहाँ से नीचे तक कितनी देर में पहुँचते हैं, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे जीरो पॉइंट के लिए। तो हम लोग आ चुके हैं सोनमर पार्किंग में वापस और इस टाइम बज रहे हैं 5:15। हमने जब स्टार्ट किया था तो 2 बज रहे थे। तो अगर आप हॉर्सेस के आने जाने का टाइम लगाएं तो अराउंड 3.75 घंटे के टाइम में आप भोजपत्री कर सकते हैं और फिर जीरो पॉइंट के लिए निकल सकते हैं। सो आई वुड रिकमेंड कि आप जब भी यहाँ पर आएँ तो 12 बजे तक यहाँ पे पहुँचने का ट्राई कीजिए, उसके बाद 3 घंटे 3.25 घंटे आप लगाइए और उसके बाद निकलिए जीरो पॉइंट। अब हम देखते हैं कि हम जीरो पॉइंट आगे कैसे मूव करते हैं। हमने 4 घोड़े और 0 पॉइंट तक की इको कार 9000 में की थी। सो अगर आप भी 0 पॉइंट तक के लिए एक टैक्सी करना चाहते हैं देन इट विल कॉस्ट यू अराउंड 4,000 to 5,000। तो अब हम निकल चुके हैं 0 पॉइंट के लिए। बीच में हमारे पड़ेगा फिश पॉइंट, जोजिला पास और बालटाल और कश्मीर का लास्ट विलेज भी। हम जा रहे हैं मोहम्मद भाई के साथ, देखते हैं हम कितनी देर में कवर कर पाते हैं। हम निकले हैं लगभग 5:30 बजे। सो दिस पॉइंट वॉज कॉल्ड द फिश पॉइंट। यहाँ जस्ट एक छोटा सा तालाब था सो देर वॉजंट अ लॉट ऑफ थिंग्स टू सी इन इट। ये है हेलीपैड जिससे अमरनाथ यात्रा के लिए हेलीकॉप्टर जाते हैं बालटाल में। तो हमने बालटाल भी क्रॉस किया जहां से अमरनाथ यात्रा भी शुरू होती है और फिर हम आ पहुंचे कश्मीर के लास्ट विलेज में। इसके बाद नेक्स्ट विलेज सीधा 47 किलोमीटर दूर द्रास में मिलता है। सोनमर्ग तक के ब्यूटीफुल रोड्स के बाद जोजिला पास के टफ टेरेन्स को टैकल करने में भी एक अपना ही मजा है। ये है जोजिला टाइगर शिव मंदिर मेंटेन्ड बाय 456 RMPL। तो ये है जोजिला टाइगर शिव मंदिर जो 0 पॉइंट जाने के रास्ते में पड़ता है एंड द व्यू फ्रॉम हियर इज अमेजिंग। तो आप जो मेरे पीछे देख रहे हैं इसको लोकल्स बोलते हैं इंडियन गेट एंड आई जस्ट शो यू ये कितना मैग्निफिसेंट है। दिस इज जस्ट सो ब्यूटीफुल एंड अपार्ट फ्रॉम दैट ये देखिए फाइनली रीच 0 पॉइंट जो कि जोजिला पास से आगे है एंड यहाँ का ऑल्टीट्यूड 11,649 है। अगर आप देखेंगे तो इससे आगे लद्दाख डिस्ट्रिक्ट पड़ जाती है और इससे पीछे है श्रीनगर। सो ये एकदम मिड पॉइंट है जहाँ पे ये लोकेटेड है एंड दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड 0 पॉइंट। एंड यहाँ से बहुत ही ब्यूटिफुल वेदर है एंड इनफैक्ट व्यू भी बहुत अमेजिंग है।
So I hope this video was fun as well as informative for you guys. Do let us know in the comment section if you have any questions about this magnificent place. And stay tuned as we explore Gulmarg in our next vlog. Until next time, this is Yashish signing off. You're watching Wonder Utopia. Keep exploring.